Assalamu alaikum. My name is Mahmoud Ali Yusuf. I represent Math Mahmoud Channels. से प्रीवियस वीडियो में हमने 1.4 के कुछ क्वेश्चन किए थे. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिक पार मैथ वही का वही हमने चलाना है कि बोथ साइड स्क्वेयर रूट स्क्वेयर लेना, उसके बाद हमने उसे सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 1.4 टेंथ क्लास. अभी हमारे पास 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. इलेवन माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स 27 माइनस. तो हमने ये क्या किया, बोथ साइड हमने इसका स्क्वेयर ले लिया. अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. अब हमारे पास ये है, यहाँ पे माइनस क्या माइनस. अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है. फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट. 11 माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स. ये हमारे पास आ गया फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट. अब ये आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस एक्स, ये प्लस बन जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस एक्स को फिर दोबारा इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 6 माइनस एक्स माइनस एक्स 6 माइनस एक्स ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया. अब ये 11 है, ये 1, ये माइनस 1, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x माइनस 2x 11 और 6 प्लस 17 माइनस 2. यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे. 11 6 66 माइनस 11x माइनस 6x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब हमने क्या करना है, माइनस 2x ऐसे कैसे लें रहने देंगे, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स ये वैल्यू हमारी हो जाएगी. अब ये दोनों हम सॉल्व कर देंगे, 11 और 6 17 हो जाएगा. 17 माइनस 2x प्लस 17 माइनस 2 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स 2 27 माइनस एक्स. ये हमारे पास वैल्यू निकल आई 27 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स. अब हमने क्या करना है, ये 2x माइनस 2x प्लस 17 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे. अब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 2, इसे अब हम सीक्वेंस से अरेंज कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 17. ये हमारे पास वैल्यू निकल आई माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू. अब ये 27 और 17, 27 में से हम 17 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10
यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स, ये हमारे पास आगे वैल्यू 10 प्लस एक्स हमारे पास 10। अब अगेन हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हम इसका दोबारा स्क्वेयर ले लेंगे। माइनस टू का लहजा, उसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स का स्क्वेयर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 2 का स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ अरेज कर देंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 17 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 17 68 एक्स प्लस 66 मल्टीप्लाई 4 66 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू प्लस 264 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो अपने साइन चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 264 माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन्हें प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस कर देना है। 4x में से x गया, 3x स्क्वायर 68 में से 20 माइनस, ये दोनों 68 भी माइनस है 20 भी माइनस है, तो हमने इसे क्या करना है, दोनों वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। 68 प्लस 20 ये हमारे पास आ जाएगा 88 माइनस 88x, अब ये वाली वैल्यू रहेगी हमारे पास सिर्फ प्लस 164 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इसे यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 88 एंड c इज इक्वल टू 164, यूज क्या कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके अंदर पुट दी वैल्यू आप a b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 88, अगर दो माइनस आ जाए तो एक माइनस को कोशिश के करो ब्रैकेट में रख दिया करो, दूसरा माइनस ऑटोमेटिकली ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस 88 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, सी क्या है 164 होल स्क्वायर रूट एंड 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगा। माइनस माइनस प्लस
88 प्लस माइनस, अब हमने क्या करना है 88 का स्क्वायर ले लेना है। 88 मल्टीप्लाई 88 इज इक्वल टू 7744। ये हमारे पास क्या आ गया 88 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4312 मल्टीप्लाई 164 इज इक्वल टू 1968 ओवर 6 आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग। एटी एट एज इट इज यहाँ पे हम क्या शो कर देंगे एक्स भी, प्लस माइनस 88 में से 7744 माइनस 1968 5776 ओवर 6। अब 5776 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 5776 स्क्वायर रूट 5776 इज इक्वल टू 76। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 88 प्लस माइनस 76 ओवर 6, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसे क्या करना है, टू फॉर्म में लेके आना है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6, x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 ओवर 6, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 88 माइनस 76 x इज इक्वल टू 12 ओवर 6, x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 इज इक्वल टू 164 और ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास आ गया। अब इसे हम कट कर देंगे, 2 से चला जाएगा ये, 2 3 जा 6 8 और 2 आ गया एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये हमारे पास आ गया। अब इस तरीके से आप इसका चेक भी कर सकते हैं, चेक करेंगे 82 ओवर 3 को आप इस वैल्यू में डालेंगे, उसके बाद आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे चेक को। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 4a प्लस x क्वेश्चन नंबर 8 4a प्लस x माइनस a माइनस x इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, सेम वही मेथड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। Scaling on both sides. 4a plus x square minus a minus अब इसे हम सॉल्व करेंगे। a माइनस जैसे हमने सेवन क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 4a प्लस
एक्स माइनस, ये प्लस हो जाएगा ए माइनस एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई फोर ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल और ये वैल्यू आ गया। अब हमने कैसे करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना, फोर और वन फाइव ए प्लस एक्स एक्स कैंसिल माइनस टू फोर ए ए माइनस एक्स प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए आ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना फाइव ए माइनस टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई भी वैल्यू सेम है तो ये है, सिर्फ फोर में से वन गया थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू ए, ठीक है। क्या आ जाएगा, फोर में से ए कट करेंगे तो थ्री ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फाइव ए माइनस टू फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ए माइनस फाइव ए आ जाएगा, ए माइनस फाइव ए आ जाएगा। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड माइनस टू का स्क्वेयर, माइनस टू का स्क्वेयर फोर ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस फाइव ए का स्क्वेयर। फाइव ए का अगर सिंपल फाइव ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बल्कि ये भी मजीद हम इसे साफ कर देंगे, आगे नहीं जाते, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर ए का स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, ये फोर हो जाएगा, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड हो जाएगा और ये आ जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन ए स्क्वेयर। क्या वैल्यू आ गई, फोर फोर ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन ए स्क्वेयर, ये हमारे पास वैल्यू निकल आए। सिक्सटीन ए स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, इस फोर के सारे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फोर फोर जा सिक्सटीन ए स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व ए एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब हम एक स्टेप में दोनों चीज़ें सॉल्व कर दी, क्या इसे फोर से मल्टीप्लाई कर दिया और सिक्सटीन ए स्क्वेयर को मैं अपनी साइड पे लेके आया तो वो माइनस हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू ये और ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास सॉल्व होगी सिर्फ, ठीक है। फोर फोर जो सिक्सटीन ए स्क्वेयर और वो टू ए, ये प्लस का ये माइनस का इसे हम कैंसिल कर देंगे,
ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास इसी वैल्यू के अंदर कॉमन है 4 और एक्स कॉमन है, माइनस कॉमन उठा लो 12 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 12 ax प्लस 4 x square is equal to 0। अब इसमें क्या कॉमन आ गया हमारे पास 4x, 4x 3a प्लस x is equal to 0, हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को दो पार्ट में चेंज कर देना, 4x is equal to 0 and 3a plus x is equal to 0, 4x इधर आ जाएगा, x is equal to 0 over 4, x is equal to 0, ठीक है। अब ये उधर ले जाएंगे, x is equal to minus 3, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब इसे जो है ना सोल्यूशन सेट, इसका क्या बन जाएगा, 0 and minus 3a, ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 9, 10, 11, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है 9, 10, 11। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, अभी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड सेम है, हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों साइडों पे क्या है, सेम है। अब हम इसे क्या करते हैं, सपोज कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई के, ठीक है, ये हमारे पास आ गया y प्लस वन माइनस y माइनस वन इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। अब क्या करना है, हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, y प्लस वन स्क्वेयर माइनस वाई माइनस वन स्क्वेयर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन माइनस टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, वाई प्लस टू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन, अब ये प्लस का था ये माइनस का था, ये आपस में क्या हो गए, ये प्लस था ये माइनस का आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करना है, इसे उठा के इस साइड पे ले जाओ, माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू वाई, ठीक है। अब अगेन स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, माइनस टू का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ये हमारे पास आ गया ये वैल्यू। अब ये फोर ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसल, y स्क्वायर माइनस वन वन प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब इसे क्या करेंगे हम लोग, फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के मैं जब अपनी साइड पे ले जाऊंगा तो सारे के सारे साइन क्या कर देंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये और ये तो हो गया कैंसल। माइनस फाइव वाई प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, फाइव दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू हमने सपोज की थी, पुट दी वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से हम अरेज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर, ठीक है। फोर को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, अब ये आ जाएगा हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर मल्टीप्लाई फोर, फोर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, फोर फोर से कट गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस, अब ये फाइव इधर आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, ये हमने वैल्यू निकाल ली। पुट द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए एक्स बी एक्स एंड सी, ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू फोर, सी इज इक्वल टू माइनस फाइव, पुट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक्स इज इक्वल टू बी के हमारे पास फोर माइनस फोर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू माइनस फाइव ओवर टू फोर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फाइव जा एटी, सिक्सटीन फाइव जा एटी ओवर एट, टू फोर जा एट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स का सिक्स एट अगर हम 97 निकालें, स्क्वायर किसका बनता है, अब हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए 16 मल्टीप्लाई सिक्स ये बन जाता है 96, 96 के हमने क्या बना दिए फैक्टर, 16 मल्टीप्लाई सिक्स माइनस फोर प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई सिक्स ओवर एट। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर दो, एक्स माइनस फोर प्लस माइनस 16 सिक्स ओवर एट, ठीक। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, फोर माइनस फोर प्लस माइनस फोर सिक्स ओवर एट,
आ गया। अब छोटी सी एक चीज़ देखें, फोर इधर भी है, फोर इधर भी है, फोर का हम कॉमन उठा लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस वन प्लस माइनस सिक्स ओवर एट, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस सिक्सटीन ओवर, ये हमारे पास वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस सिक्सटीन ओवर टू, ये हमारे पास वैल्यू निकल आए। अब आपकी मर्जी यहाँ तक छोड़ दें, क्योंकि ये साल नहीं हो सकता, सिक्स आता है, सिक्सटीन नहीं, सॉरी सिक्स आता है, आपकी मर्जी से एक दो प्लस एक दो माइनस कर दें, यहीं तक छोड़ दें, क्वेश्चन एंड हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे भाई टेन, टेन आप लोग करें, इलेवन मैं कर देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, ये वैल्यू प्लस वाली है, इतनी कॉम्प्लिकेट प्लस माइनस का चक्कर नहीं होगा आपके पास, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, इज इक्वल टू फाइव। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बोथ साइड से हम कॉमन उठा लेंगे, सपोज कर लेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई के, सपोज हमने कर लिया। अब वाई प्लस नाइन प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, वाई प्लस नाइन का स्क्वेयर प्लस वाई प्लस फोर का स्क्वेयर प्लस टू मल्टीप्लाई वाई प्लस नाइन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वाई प्लस नाइन स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, प्लस वाई प्लस फोर प्लस टू, इन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई, वाई स्क्वेयर प्लस फोर वाई प्लस नाइन वाई प्लस थर्टी सिक्स, ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया, इस वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, फिर इस नाइन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई और वाई टू वाई प्लस नाइन और फोर थर्टीन प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस थर्टीन वाई प्लस थर्टी सिक्स 25 हो गए। अब हमने क्या करना है, इस 2y प्लस 13 को उठाएंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, 25 में से 13 कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लें, टू वाई स्क्वेयर प्लस थर्टीन वाई प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू, टू कॉमन निकाल लें तो सिक्स माइनस वाई। ठीक है ना, सिक्स माइनस वाई, टू इस साइड पे भी है, टू इस साइड पे, ये कट हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी,
टू इधर आके इससे कट हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस 13y + 36 कट कर देता हूँ, 2 over 2 6 - y। फिर आप कहेंगे ये 2 कहाँ चला गया, ये वाला 2 उठा के हम इसके नीचे ले आए तो ये कट हो गया। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, वाई स्क्वेयर प्लस 13y + 36 = 6 - y। ठीक, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग लेंगे, इसका भी स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर, ये तो कैंसिल, वाई स्क्वेयर प्लस 13y + 36 = 36 + y² + -12y। 6 - y आप लोग खुद भी जो है ना स्टेप बाई स्टेप कर लें, इनके फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट, या आपका यही कही सेम आंसर आएगा। आप लोग साइड पे लाजमी क्वेश्चन में सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, वाई स्क्वेयर प्लस 13y + 36 - 36, उसके बाद माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 12y = 0। ठीक है, अब देखो ये वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद 36 से कैंसिल हो गया, हमारे पास नीचे वैल्यू क्या बच गई, 13y और 12 कितने हो गए, 25y = 0, ये हमारे पास वैल्यू निकल गया। अब 25 को उठाओ और 0 के नीचे लिख दो, y = 0 over 25y = 0। हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी, x² + 3x = y, पुट दी वैल्यू जो हमने इक्वल की थी, x² + 3x = 0, ये हमारे पास हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो हमने शुरू शुरू में लेट की थी या सपोज की थी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली, अब इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x = x + 3 = 0 आ गया, ठीक, x + 3 = 0। अब इसकी दो स्टेटमेंट बन जाएंगी, x = 0 and x + 3 = 0, ठीक है, 3 उस साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, x = 0 and x = -3, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। अब क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट 0 और -3। क्वेश्चन आसान भी थे, थोड़े से टिपिकल भी थे, प्रैक्टिस करें बार बार, जितना आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक एंड बेस्ट विशेज़।